सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन चैनल को और बगल में जो घंटा है उसे जोर से दबाएं ताकि कुछ भी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है ऑल इन वन चैनल में। आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल और मैं हूं आपका। तो आज मैं सेम वही वीडियो बनाऊंगा जो बैटरी के ऊपर में होगा। तो बैटरी, आप किसी भी मोबाइल का बैटरी का mAh को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, और कोई भी ज़्यादा mAh का बैटरी को आप अपना मोबाइल में कम mAh का बैटरी होता है तो आप उसमें किस तरह से फिट किया जाता है। तो क्योंकि ये बहुत सारा लोगों ने, व्यूअर लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा हो गया था और मेरा वॉइस क्लियरिटी बहुत कम था, और वो ऐसे भी मेरा पहला एडिटिंग था तो इतना ठीक तरह से मालूम नहीं था। तो फिर से मैं उसी को बनाऊँगा। तो आज 8 बजे तक का मैंने डेडलाइन दिया था, तो अभी शायद इतना जल्दी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर भी अब कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। और मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना सामान भी नहीं है, अभी तक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था पर अभी तक पहुँचा नहीं है, तो फिर भी मैं अब बनाऊँगा उसको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप सबको स्वागत है फिर से। तो अभी मैं उसी वीडियो को फिर से बनाऊंगा, और दोस्तों इस बार मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल नहीं डालूंगा ताकि आप ठीक से समझ जाए उस चीज़ को। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिए ताकि मैं कुछ भी इसमें बताता हूँ तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए, ताकि मैं दोबारा इस वीडियो को ना बनाऊँ। तो ये यूरेका प्लस का बैटरी है जो 2500 mAh का है, और एक और ये है मेरा यूरेका प्लस जो अभी ठीक ठाक काम कर रहा है। और ये मैं पिछले 5-6 महीना से इसी बैटरी से यूज़ कर रहा हूँ, और ये बैटरी बैकअप भी काफ़ी बढ़िया देता है। और लगभग आप ऑनलाइन रहते हो तभी भी आप लगभग इसे एक दिन या 2 दिन तक आप यूज़ कर सकते हो अब ऑनलाइन। और अगर आप हैवी गेम खेलते हो तो उसमें तो आपको 3 या 4 घंटे आपको बैकअप देगा ये। तो मैं दिखा देता हूँ मेरा अभी ये कस्टम मेड बैटरी। कस्टम मेड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने इसमें अब कैनवास जूस 3 का बैटरी को इंस्टॉल किया हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर किया हुआ है इसका, क्योंकि इसका कुछ ऊपर का जो टर्मिनल सिस्टम है उसका, ये बैटरी का कुछ अलग ही होता है और ये यूरेका का कुछ अलग होता है, क्योंकि इसमें 4 टर्मिनल होता है। और ये कैनवास जूस का है आपका, ये नॉन रिमूवेबल बैटरी रहता है, तो इसका कुछ यहाँ से वो भी होता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास डेमो दिखाने के लिए और कोई बैटरी है नहीं, क्योंकि मैंने ये इसके ऊपर वीडियो बनाएगा बोल के ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था पर अभी तक आया नहीं। पर कुछ कुछ व्यूअर बता रहे, पूछ रहे कि कब बनाओगे, अभी तो काफ़ी दिन हो गया आप बोल के। तो आज मैं इसी के ऊपर बना लूँगा, इसी से मैनेज करके बना लूँगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी ये फ़िलहाल ये बैटरी है तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है दोस्तों। ये मैं लगभग अभी 4-5 महीने से काम कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ इसे, सॉरी दोस्त। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और बगल में घंटा भी होगा आप उसे भी ज़ोर से दबा दीजिए ताकि मैं कुछ भी नया वीडियो बनाऊंगा और आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा वो वीडियो सबसे पहले। तो मैं दिखा देता हूँ इसको मैंने किस तरह से कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो ये बैटरी थोड़ा साइज़ में थोड़ा छोटा है इसके कंपेयर में जो ओरिजिनल बैटरी होता है। एक्चुअली ये बैटरी भी ओरिजिनल नहीं है दोस्त, ये ओरिजिनल नहीं है कि मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था, जो मेरा ओरिजिनल बैटरी था वो तो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसे फिर ऑनलाइन से मंगाया। इससे पहले फिर एक बार मैंने ऑनलाइन से मंगाया हुआ था तो वो बैटरी भी ठीक से चला नहीं, पूरा ये प्रेग्नेंट हो गया बैटरी, जो पूरा इसका शेप चेंज हो गया तो ठीक से काम करता नहीं। ऑनलाइन से बहुत बार मैंने इससे पहले और एक बार मंगाया था वो भी सेम, इसे लगभग एक महीना या दो महीना सिर्फ चलता है वो बैटरी। तो मैं इसे दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से कस्टमाइज़ किया हुआ इस बैटरी को। तो ये है माइक्रोमैक्स कैनवास जूस 3 का बैटरी। तो मैं अभी फ़िलहाल इसे खोल के ही दिखा देता हूँ आप लोगों को।
मैंने इसे फिक्स करने के लिए ये सेलो टिप से चिपकाया हुआ है ताकि जो ऊपर में टर्मिनल है वो नहीं हिल पाए। तो बैटरी में मेन क्या होता है कि आपका दो ही मेन आपको वो होता है, टर्मिनल होता है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो इसमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आप इसका साइज को देखिए। आप कोई भी मोबाइल में आप दूसरा जो ज़्यादा mAh का बैटरी को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका साइज को आप देख लीजिए, आप किस तरह से उसको अपना मोबाइल में फिट कर सकेगा। आप पहले उस सुविधा को देख लीजिए, उसके बाद आपको देखना है इसके ऑलमोस्ट साइज को ही देखना है, बाकी तो इतना होता नहीं है देखने के लिए, और साइज को देखना है। उसके बाद में दोस्तों ये बैटरी का ऊपर में कुछ इस तरह का टर्मिनल का जो होता है इस तरह का वही था। तो अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी इसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ही नहीं। तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो अभी तक पहुँचा नहीं। तो आप लोगों को जल्दबाजी है तो मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरह का जो बैटरी होता है उसका ये ऊपर का जो होता है बैटरी का जो इस तरह का भाग होता है जो टर्मिनल से किया हुआ होता है, आप उसको निकाल देना है आपको। सबसे पहले निकालने के बाद में आपको दो टर्मिनल मिल जाएगा, एक होगा नेगेटिव एक होगा पॉजिटिव। तो ये दोनों को आप देख लेना है उस कौन सा में नेगेटिव है कौन सा में पॉजिटिव है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल बैटरी होता है उसका जो आपका डैमेज बैटरी होता है उसका जो यूरेका का डैमेज बैटरी होता है उसका ऊपर वाला ये हिस्सा को निकाल लेना है। निकालने के बाद में नीचे में ये बैटरी के नीचे में निकालने के बाद में इसमें आपका ये आप देख सकते हैं। तो इसमें भी वही रहता है, इसमें एक में पॉजिटिव होगा अब इसमें नेगेटिव होगा। तो अब बैटरी और ये दोनों का बैटरी और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को आप मिलाना है पहले कौन सा जगह में क्या है। तो उसके बाद में दोस्तों ये यूरेका प्लस बैटरी का टर्मिनल का जो ऊपर भाग होला, तो सबसे पहले आप इसको आप कुछ भी इसमें कोई भी बैटरी को इंस्टॉल करते हो तो आपको लेकिन ये चीज़ जो आप बैटरी का ऊपर वाला भाग जो ये टर्मिनल का ऊपर वाला भाग आपको इंस्टॉल करने के लिए ये ज़रूरी है। आपका जो डैमेज बैटरी है आप वहाँ से इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद आपको क्या सिंपली क्या करना है, इसको जो आप सेलो टिप या कुछ से आप ब्लैक टिप भी हो सकता है कुछ से भी आप इसको कवर कर लीजिए ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसमें आपका सेंसर रहता है, कुछ बहुत सारा सेंसर है जो आपको बैटरी ओवर हीट होने ओवर चार्ज होने से आपको बचाता है इस। तो और बाकी बैटरी में तो कुछ बैटरी में तो सिर्फ दो ही टर्मिनल रहता है, एक है ये है आपका नेगेटिव पार्ट ये है पॉजिटिव पार्ट। तो इस टर्मिनल में भी इस टर्मिनल का ये ऊपर भाग में भी आपको कनेक्ट होने के लिए सिर्फ दो ही वो मिलेगा आपको, ये है नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव। आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आप ये दोनों को मैचिंग कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव को आप नेगेटिव से कराएं और पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये दोनों को कनेक्शन के बीच में आप सोल्डरिंग भी कर सकते हो, तो सोल्डरिंग करने से ज़्यादा बेहतर रहता है। पर मैं तो अपना अभी काम को इस टेप से काम चला रहा हूँ तो इसे भी चल जाता है, तो क्या सोल्डरिंग करने का झमेला नहीं लिया मैंने अभी तक दोस्तों। और ये दोनों तो अब ये दो टर्मिनल तो आप देख ही लिया होगा, मैंने बताया भी था ये दोनों एक MB कुछ है ये टेम्परेचर। उसके बाद ओवर चार्ज को आप कंट्रोल करने के लिए इसमें सेंसर रहता है, उसी का कनेक्टिविटी है दोनों। और बैटरी का स्थितिज और बैटरी किस तरह का है ये आप मोबाइल में वो करने के लिए उसी के लिए रहता है। ये सेंसर पॉइंट भी है आपका, ये टर्मिनल मेन तो ये दो है, इसमें एक में नेगेटिव रहता है, इसमें पॉजिटिव होगा तो इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा तो इसमें पॉजिटिव भी होगा। तो इसको इंस्टॉल करना कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों, और आप लोग बार बार पूछ रहा था तो मैं इसलिए बना रहा हूँ इस वीडियो को फिर से। और अगर हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को फिर से समझ में नहीं आता आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आंसर ज़रूर दूंगा। और चाहे तो आप मेरे फेसबुक पेज में भी आप आके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज facebook.com ऑल इन वन चैनल, आप उसमें भी आके लॉग इन कर मतलब आप उसमें आके आप कुछ भी क्वेश्चन होता है आपका दिमाग में तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका ऊपर में ज़रूर आपको मदद करूँगा दोस्तों। तो अभी मैं इसे फिक्स कर देता हूँ और फिक्स करके दिखा भी देता हूँ आप लोगों और किस तरह से काम करें। इसमें कुछ आप ज़्यादा दिमाग लगाने का कुछ है होता भी नहीं, और बहुत सारा लोगों ने पूछा था कि क्या ये ऐसे करना ठीक रहेगा,
ये ब्लास्ट तो नहीं होगा या कुछ नहीं होगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका सेंसर रहता है। ये इसमें जो जितना पार्ट है, इसमें मैक्सिमम जो है इसमें पूरा सेंसर का काम करने के लिए है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें आपका ये दो है जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो अब डायरेक्ट कनेक्ट ही हो जाता है इसमें। बाकी जो होता है सेंसर, ओवर चार्ज होने से बचाता है और बैटरी गर्म होकर एक्सप्लोड होने से बचाता है। अगर आप कभी इसे मल्टी चार्जर में बैटरी को आप चार्ज करते हो, तो आप ज़रूर से ज़्यादा चार्ज करके रख के देखिए उसे, तो उसका वो ऑलमोस्ट ब्रश होने लाइक का हो जाएगा, और या तो आपका बैटरी ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो जाएगा, या तो उसका पैड वेड निकल के आ जाएगा। तो क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप चार्ज करते हो ये नेगेटिव और पॉजिटिव से, तो उसमें सेंसर का बिल्कुल काम नहीं करता है, तो वो डायरेक्ट चार्ज हो जाता है, तो इसलिए उसके वजह से आपका उसमें एक्सप्लोड होने का या तो बैटरी डैमेज होने का रिस्क रहता है। अगर आप फ़ोन से चार्ज करते हो तो इसमें ये दो टर्मिनल आपको पूरा इसमें काम करता है। और कुछ बाकी तो कुछ है नहीं बताने के लिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं इसे फ़िक्स करके दिखा देता हूँ किस तरह से फ़िक्स करता है। तो हाँ दोस्तों, मैं इसे फ़िक्स करके दिखा देता हूँ। तो ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट। तो इसका भी है दोस्त, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट। तो मैं अभी फ़िलहाल इसे फ़िक्स करता हूँ। आप चाहे तो इसे सोल्डरिंग कर सकते हैं, पर मैं इसे इसी से काम चला लेता हूँ। तो इसको इस तरह से फिक्स करने के बाद आप एक बार मोबाइल में आप इसे देख लीजिए कहाँ तो इसका रखना है, क्योंकि इसमें आपका मोबाइल पिन से भी मिलना बहुत ज़रूरी है ये टर्मिनल जो, तो इतना ठीक ही है। तो मैं इतना में सेट कर देता हूँ इसे। सेट करने के बाद आप सिंपली इसे टाइट कर दीजिए ताकि ये हिले नहीं। और ये जो लगाया है दोस्त, ये सपोर्ट के लिए लगाया है ताकि बैटरी भी इधर उधर ना हो फोन से। तो मैं देख लेता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही से लगा है कि नहीं लगा है। इसे फिक्स करता हूँ दोस्त। तो ये रहा, ऑन करके देख रहा हूँ दोस्त। तो देख लीजिए दोस्त, ये बिल्कुल ऑन हो गया, अभी काम कर रहा है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को। और इस हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा। और आप जितना आप लोग इसमें क्वेश्चन कर रहा था, जितना आप लोग सवाल पूछ रहा था, उस चीज़ को आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो भी आप डिसलाइक कर सकते हैं उसमें, और कॉमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा, उसका आंसर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है दोस्तों। आप तो वंदे मातरम, जय हिंद।